जी हमारा टॉपिक है लॉरेंट्स फोर्स एंड चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें एक एक्सपेरिमेंट है और ये एक्सपेरिमेंट किया था थॉमसन ने, और इस एक्सपेरिमेंट में बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखा था। वेलोसिटी सेलेक्टर में भी हमने ऐसी ही अरेंजमेंट रखी थी। बस इसमें और उसमें फ़र्क ये है कि वहाँ पर हमने पॉजिटिव चार्ज को कंसिडर किया था और यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है यानी इलेक्ट्रॉन है। तो इस टॉपिक में हम असल में इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशो फाइंड करना चाहते हैं। और इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशो का मतलब क्या है? ई ओवर एम, ठीक है, चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए आपको एक छोटी सी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट नज़र आ रही है, और इस एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में हमारे पास सबसे पहले तो ये है, ये वाला पार्ट जो इस वक्त सामने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इसमें एक फिलामेंट है, ठीक हो गया। इस फिलामेंट का काम सिर्फ ये है कि इसने कैथोड को हीट अप करना है और कैथोड से फिर इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनोड की तरफ बढ़ते हैं। अप्लाइड एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ये है, ये सामने नीचे आपको जो नज़र आ रही है, और ये जो इलेक्ट्रॉन का बीम है इसने आगे चलना है और आगे चल के इसने एक अरेंजमेंट के अंदर से पास करना है। इस अरेंजमेंट में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव प्लेट है, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वर्टिकली डाउनवर्ड इस डायग्राम के मुताबिक, और इसी जगह पर एक मैग्नेटिक फील्ड भी अरेंज किया गया है और वो है इन टू द पेपर। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड इन टू द पेपर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड है इन टू द पेपर। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में टोटल कितना एंगल है? 90 डिग्री का। अब आप ज़रा सिस्टमेटिकली अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पर जो फोर्स लगेगी वो होगी वर्टिकली अपवर्ड। जाहिर बात है ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ऊपर पॉजिटिव प्लेट है, नीचे नेगेटिव प्लेट है। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जाएगा। ऐसा ही है, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी। जी बच्चों, ये बात समझ आ रही है सबको? और ये इलेक्ट्रिक फोर्स बिल्कुल इसी फार्मूला के मुताबिक कैलकुलेट की जा सकती है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह हम ई लिख देंगे, स्मॉल ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कैपिटल ई। लेकिन साथ ही साथ हम मैग्नेटिक फोर्स भी कैलकुलेट करेंगे, और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी क्रॉस बी। अब चूंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो ये बनेगा माइनस ई वी क्रॉस बी। अब अगर मैं इसकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिहाज से राइट हैंड रूल यूज करूं तो आप ज़रा फार्मूला में देखें, अगर मैं नेगेटिव साइन को अंदर ले जाऊं तो V क्रॉस B जो है ये B क्रॉस V बन जाएगा। V क्रॉस B क्या बन जाएगा? B क्रॉस V, क्योंकि हम जानते हैं वेक्टर प्रोडक्ट में अगर वेक्टर प्रोडक्ट की तरतीब को उल्टाया जाए तो एक नेगेटिव साइन आ जाता है, या नेगेटिव साइन अगर पहले से मौजूद है तो वो ख़त्म हो जाएगा। यानी A क्रॉस B इज़ इक्वल टू माइनस B क्रॉस A। सेम वही वाली चीज़ हमने यहाँ पर इस्तेमाल की है। अब हमने इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए V क्रॉस B नहीं करना, B क्रॉस V करना है, यानी B से V की तरफ घुमाना है अपने राइट हैंड की फिंगर्स को। अगर आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को इस वक्त स्क्रीन के मुताबिक इन टू द पेपर करेंगे और उसको राइट साइड यानी V की तरफ घुमाएंगे
तो थंब नीचे की तरफ आएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। यानी इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है उसकी वजह से ये डाउनवर्ड आने की कोशिश करेगा। जी बच्चों, आपको इस बात की समझ आ गई है सबको? मेरी आवाज आ रही है सब तक? तो कंक्लूड हमने ये किया कि इलेक्ट्रॉन के बीम पर इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायग्राम के मुताबिक ऊपर की तरफ लग रही, यानी टॉप ऑफ द पेज लग रही है, और मैग्नेटिक फोर्स बॉटम ऑफ द पेज की तरफ लग रही है, ठीक है। और अगर ये दोनों फोर्सेस या तो ज़ीरो हों या ये इक्वल मैग्नीट्यूड में लग रही हों, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे जाके अपना स्पॉट देगा स्क्रीन के ऊपर, बिल्कुल सेंटर पे। ये सारी यही वाली स्टोरी लिखी हुई है। थॉमसन ने क्या किया जनाब, सबसे पहले उसने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को जीरो पे सेट किया। जब आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को जीरो कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स लगना बंद हो जाएंगी और जो इलेक्ट्रॉन का बीम है वो अनडिफ्लेक्टेड रहेगा, स्ट्रेट जाकर स्क्रीन पर अपना स्पॉट देगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन किया गया, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन किया गया और इलेक्ट्रिक फोर्स लगना शुरू हो गई, तो इलेक्ट्रिक फोर्स के लगने की वजह से जो डिफ्लेक्शन का पाथ बना उसको नोट किया गया, यानी कितने एंगल पे डिफ्लेक्शन हुई। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही रखते हुए मैग्नेटिक फील्ड को ऑन किया गया, और मैग्नेटिक फील्ड को ऑन करने के बाद एडजस्ट किया गया। एडजस्ट करने से मुराद है कम ज़्यादा किया गया। कम ज़्यादा करके आपने मैग्नेटिक फील्ड की ऐसी वैल्यू लेकर आनी है जिसके लिए इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करना शुरू कर दें। कैंसिल करने से मुराद क्या है, इन दोनों की जो मैग्नीट्यूड है, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, इन दोनों की मैग्नीट्यूड अगर बराबर हो जाएगी तो फिर जो इलेक्ट्रॉन का बीम है वो अनडिफ्लेक्टेड यानी स्ट्रेट गुजर जाएगा और स्क्रीन पे उसी जगह जाके स्पॉट देगा जिस जगह पहले जीरो पे उसने दिया था। तो ये एक्सपेरिमेंटल वर्किंग है जो हमने करनी है, हमने नहीं, जो थॉमसन ने की। इसके बाद यहां सामने आपको एक छोटा सा फॉर्मूला नजर आ रहा है। ये फॉर्मूला जो है ना, ये मैं आपको दूसरी बुक से करवाना चाह रहा था लेकिन वो बुक के जो हैंडआउट्स हैं वो ओपन नहीं हो रहे इस वक्त, पीडीएफ फाइल थोड़ी सी हैवी है, तो इसलिए आप इस फॉर्मूला को फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग ऐसे ही याद रखें। मैं इस पर आपको अलग से, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो अलग से मैं लेक्चर दे दूंगा, लेकिन इसकी एक एज सच कुछ कुछ ज़रूरत नहीं है, तो फिलहाल आप इसको ऐसे ही देख लें। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि इस फार्मूला में जो कुछ भी लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। इसमें जो वाई है ना, ये वर्टिकल पोजीशन है इलेक्ट्रॉन के बीम की। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो पहली इक्वेशन आपको नज़र आ रही है ये तब की है जब हमने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन किया था और उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो था, ये जो सेकंड पॉइंट है। और इसके नतीजे में जो पाथ बना, फर्ज करें इलेक्ट्रॉन का ये वाला पाथ बना और स्क्रीन के ज़ीरो पे उसने जो ज़्यादा से ज़्यादा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसको हमने वाई से जाहिर कर दिया, स्मॉल वाई से। इसमें जो कैपिटल एल है ये लेंथ ऑफ प्लेट को जाहिर कर रही है, कैपिटल एल लेंथ ऑफ प्लेट को जाहिर कर रही है। कैपिटल ई जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्मॉल ई जो है ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, स्मॉल एम इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये जो V है ये स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन को जाहिर कर रहा है। दूसरी कंडीशन हमने यूज़ की वही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स के बैलेंस करने वाली, जब दोनों फोर्सेस को आप बैलेंस करेंगे तो हमारे पास जिस तरह वेलोसिटी सिलेक्टर में V का फॉर्मूला आया था सेम वैसा ही फॉर्मूला आ जाएगा।
अब ये जो v की वैल्यू है इसको आपने पुट कर देना है इक्वेशन नंबर वन में। जब आप इक्वेशन नंबर वन में इस v की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास स्मॉल y इक्वल आ जाएगा e कैपिटल e l स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। v स्क्वायर की जगह आ जाएगा e ओवर b का स्क्वायर, यानी e स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर। अब इसमें एक ई जो है ये तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, नीचे जो बी का स्क्वायर था ये ऊपर आ जाएगा और हमारे पास बन जाएगा स्मॉल ई एल स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 m e। इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं चार्ज टू मैस रेशो के लिए। चार्ज टू मैस रेशो को एक तरफ रहने दें, यानी स्मॉल ई और स्मॉल एम को उस तरफ रहने दें, बाकी सारा कुछ इस तरफ ले आए। ये बन जाएगा 2 y e डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, और एक तरफ हमारे पास चार्ज टू मैस आ गया ई ओवर एम। ये था वो एक्सपेरिमेंट। अब इसमें वाई क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि स्क्रीन के ऊपर सेंट्रल स्पॉट से लेके एक्सट्रीम जो बेंडिंग होती है उस तक का फासला, ये भी हम मैयर कर लेते हैं। कैपिटल ई अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने मैयर कर ली, लेंथ ऑफ प्लेट भी हमने मैयर की हुई है कि प्लेट कितनी लेंथ वाली है। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड भी इस वक्त हम जानते हैं। जब ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट की गई तो चार्ज टू मैस रेशो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का आया दैट वॉज 1.7 × 10⁻¹ⁱ कूलम पर किलोग्राम। कूलम चार्ज का यूनिट है और मास का यूनिट है किलोग्राम। तो बच्चों ये था आज का हमारा लेक्चर। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखें, अगले लेक्चर तक मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।